जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो मीडिया के माध्यम से आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया ताकि मुझे लोगों को ये बताना था कि मुमरा में बिज़नेस इंडस्ट्री में मेरा पहला कदम है और आसमा के साथ मिलकर हम बिज़नेस इंडस्ट्री में फुट रख रहे हैं। और आई वुड लाइक टू अनाउंस टू ऑल ऑफ यू कि हम एक न्यू स्टूडियो ओपन कर रहे हैं जो इंशाल्लाह से 15-20 दिन के अंदर खुल जाएगा। और सहार एंड आसमा प्रेजेंट्स S&A स्टूडियोज़, उसमें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स होगी, जैसे डांस हो गया, सिंगिंग हो गई, डिफरेंट डांस स्टाइल्स, कंटेम्प्रेरी डांस जिसका डिपार्टमेंट मोहसिन डांसर एंड कोरियोग्राफर जो है वो हैंडल करेंगे। फिर लेडीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने योगा और जुम्बा और फंक्शनल ट्रेनिंग ऐड किया है। थोड़ा डिफरेंट है फंक्शनल ट्रेनिंग, जिम्स में भी होता है बट उसमें मशीन्स रिक्वायर नहीं होती, तो वो कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आप स्टूडियो पे आएंगे तो आपको हमारा ट्रेनर एक्सप्लेन करेगा अच्छे से। और उसी के साथ इंस्ट्रूमेंटल ट्रेनिंग, जिसमें बच्चे गिटार सीखेंगे, यूकेलेले सीखेंगे, कीबोर्ड सीखेंगे और क्लैप बॉक्सिंग करके एक न्यू इंस्ट्रूमेंट आया है, न्यू तो नहीं आया बट मेरे नॉलेज में अब भी आया है, जो ट्रेनर्स हैं उन्होंने बताया है कि वो ये सिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं देना चाह रही हूँ क्योंकि मुमरा में स्किल डेवलपमेंट को लेकर अब तक ऐसा कोई किसी ने इनिशिएटिव लिया नहीं है, क्योंकि काफ़ी बच्चे इंटरेस्टेड है। जैसे हमारे वक्त में हम भी बहुत इंटरेस्टेड थे, हमको मुमरा के बाहर जाना पड़ता था ये सारी चीज़ें सीखने, हमारे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते थे हमको भेजना, इसीलिए हमारे नसीब में शायद वो था और हमने सीखा जाके जो कुछ भी सीखा। बट मुझे चाहिए कि यहाँ के जो बच्चे हैं जो इतना ट्रैवल नहीं कर सकते, जो भी कंडीशंस में रहते हैं, जैसे भी कंडीशंस में, बट उनको भी तो प्लेटफॉर्म मिलना ज़रूरी है। क्यों उनको ट्रैवल करना ही है अगर उनको कुछ चाहिए तो, और इधर भी होना ज़रूरी है। तो कहाँ पे खुल रहा है ये स्टूडियो? ये अमृत नगर में मेन हब जो है मुमरा का, वहाँ पर है प्रॉपर्टी। इंशाल्लाह जैसे बोर्ड लगेगा लोगों को दिखेगा और फिर डिस्क्लोज होगा इंशाल्लाह। तो कब तक शुरू हो जाएगा ये? 15-20 डेज इंशाल्लाह। एडमिशन कैसे हुआ इसमें? तो फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स को हमने डिसाइड किया है कि हम 10% ऑफ देंगे और उसकी डांस की फ़ीस, सिंगिंग की फ़ीस सब उसके हिसाब से। रजिस्ट्रेशन हम 2 दिन में खोल रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। आप आकर रजिस्टर कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो, एडमिशन्स ले सकते हो और इंक्वायरी भी कर सकते हो, तो हम आपको उसके अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। एडमिशन लेने कहाँ पे आना होगा? एडमिशन लेने के लिए पहले तो 2 दिन में अभी पैम्पलेट्स बटेंगे तो उस पर QR कोड रहेगा, तो ऑनलाइन एडमिशन QR कोड के थ्रू होगा। QR कोड स्कैन करके रजिस्ट्रेशन हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन मेरे ऑफिस पर होंगे। और एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स से ये बिजनेस का कुछ रिलेशन नहीं है। अभी भी जब ये बात बाहर आई तो लोगों के क्वेश्चन थे कि चैरिटी कर रहे हो आप, चैरिटी कर रहे हो, तो चैरिटी नहीं कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि राइट हैंड पॉलिटिक्स में चैरिटी होती है, काफ़ी होती है, राइट हैंड से जब कुछ दे रहे तो लेफ्ट हैंड में पैसे आने भी ज़रूरी है। तो बिजनेस में पैर इसीलिए रखा ताकि किधर से कुछ आए तो हम इधर भी लगाएं। तो बस एग्जैक्टली, एंड आई वॉन्ट टू शेप आर चिल्ड्रन बिकॉज दे नीड प्लेटफॉर्म। टैलेंट बहुत है मुमरा में बट कॉम्पिटिशन में लेके जाने के लिए कोई नहीं है, कि लोगों को इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस देने वाला कोई नहीं है कि अरे ये लेवल पे डांस कॉम्पिटिशन हो रहा है कि बच्चों को लेकर चले गए। तो मोहसिन उसका पूरा ये करने वाले और वो बच्चों को लेकर जाएंगे फॉर कॉम्पिटिशन। आपको ऐसा नहीं लगता कि मुमरा में जो है लड़कियों को डांस करने को लेकर काफ़ी हंगामा भी हो चुका है, तो डांस क्लासेस खुल रहे हैं तो इसमें इस तरह से लड़कियों को डांस सिखाना खैर ये अलग बात है, लेकिन मुमरा में कुछ लोग ऐतराज़ जताते हैं? देखिए क्वेश्चन तो आपका ऐप्ट है, क्योंकि हाल ही फिल्म में एक यहाँ पर महोत्सव लगा था उसमें कुछ ऐसा ही हुआ था। अच्छा, मेरे नॉलेज के तो बाहर है ये चीज़, बट आप जो बोल रहे हो वो 100% सही है। हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी सिटी में रहते हैं फॉर श्योर, बट
उसके अलावा भी मेरा नजरिया मानना यह है कि अल्लाह ने भी हमको ये बोला कि दीन और दुनियावी तालीम दोनों हासिल करना है। अगर अपने को कोई चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हारे घर वाले तुमको अलाउ करते हैं, तुम्हारे फैमिली तुमको सपोर्ट करती है, तो जिनको एतराज़ है वो नहीं करेंगे, और जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो मेरे स्टूडेंट्स होंगे इंशाल्लाह। ओके, आप आसमा ब्यूटी पार्लर से हैं, तो आपने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, क्या बताएंगे इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसमा है। आसमा ब्यूटी पार्लर इंस्टीट्यूट अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा में बहुत बहुत प्यार मिला है। आप लोग सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया है। सारी शेख के साथ में हम लोग ने पार्टनरशिप मतलब बहुत अच्छे से, मेरा इनका फर्स्ट कोलैबोरेशन था, तो मुझे भी बहुत अच्छी इनसे वाइब आई और बहुत अच्छे भी है, तो हम साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप ऐसे नेक्स्ट वीडियो को बहुत प्यार देंगे और बहुत आगे तक जाएंगे इंशाल्लाह। मोहसिन भाई, आप कोरियोग्राफर और डांसर भी, हाँ, आप क्या इसमें बच्चों को सिखाने के लिए? मैं इसमें प्रॉपर बच्चों को बेसिक्स से लेके एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा, जिसमें बहुत सारी अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं, जैसे लिरिकल है, हिप हॉप है, कंटेम्प्रेरी है, क्रम्प है, और भी बहुत सारे हैं। तो उसमें कैसा, यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे टैलेंट बहुत है लेकिन करने के लिए स्पेस नहीं है किसी के पास, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, तो बस मेहनत करना है उसमें, प्लेस वेयर ड्रीम कम ट्रू। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो करना चाहते हैं लेकिन माँ बाप उनको रोकते नहीं करने देते। हाँ, तो ये चीज़ मैं भी समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी स्टार्ट में ये चीज़ फेस किया कि पेरेंट्स स्टार्ट में नहीं सपोर्ट करते, और जब आपके बच्चे उसमें जब अचीव करने लग जाते ना, तो फिर फैमिली को भी दिखाई देता है कि हाँ, हमारा बच्चा इसमें कुछ कर सकते हैं।